फ्रेंड्स, अक्सर जब भी हम परिवार नियोजन या फिर फैमिली प्लानिंग की बात करते हैं और उसके बारे में ट्राई करते हैं, तो उसके तुरंत बाद पहला स्टेप होता है प्रेगनेंसी का टेस्ट करना। लेकिन कई बार प्रेगनेंसी टेस्ट करने में भी नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है, जिसके भी काफी सारे कारण हो सकते हैं। आज मैं अपनी इस वीडियो के जरिए आपको बताऊंगी कि नेगेटिव प्रेगनेंसी टेस्ट का कौन सा कारण हो सकता है। नंबर 1, बहुत ज्यादा पतला पेशाब होने की वजह से भी आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि हमारे शरीर में यदि हम बहुत ज्यादा मात्रा में पानी पी लें तो उसकी वजह से पेशाब की मात्रा काफी ज्यादा पतली हो जाती है और उसी की वजह से कई बार प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव शो होता है। और इसी वजह से कई बार ये कंफर्म नहीं हो पाता है कि महिला ने गर्भ धारण किया है या फिर नहीं, और फिर उन्हें या तो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है या फिर दोबारा से ट्राई करना पड़ता है। नंबर 2, गलत समय पर किया गया परीक्षण भी आपके प्रेगनेंसी टेस्ट को नेगेटिव कर सकता है। जी हाँ, यदि आपने रात को अपने पति के साथ या फिर अपने पार्टनर के साथ संभोग किया है और आप सुबह उठकर इस टेस्ट को करती हैं, तो ये आपके लिए सही रहता है। लेकिन यदि आपने ऐसा करने के बजाय अगले दिन या फिर 2-3 दिन छोड़कर आपने ये टेस्ट किया, तो उसका परीक्षण सही नहीं निकलेगा। पॉइंट नंबर 3, यदि आपकी टेस्ट किट बेकार हो या फिर एक्सपायर हो, तो उसकी वजह से भी आपका प्रेगनेंसी टेस्ट निरीक्षण नेगेटिव हो सकता है। पॉइंट नंबर 4, कई बार पहले से ही अनुमान लगाने की वजह से या फिर गलत फहमी होने की वजह से भी आपका निरीक्षण नेगेटिव हो सकता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप पूरी तरीके से कंफर्म हो और उसके बाद ही अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करें। सो फ्रेंड्स, ये है कुछ ऐसे कारण जिसकी वजह से आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव शो हो सकता है। इस वीडियो को देखिए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।